अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज जो ये मेरा मेकअप ट्यूटोरियल है, ये जिस तरह से डे टाइम मेकअप भी आप इसको कह सकते हैं या मेकअप फॉर पिकनिक भी आप इसको कह सकते हैं। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो है मैंने अपना फेवरेट जो मेरा सनब्लॉक है, स्पेक्ट्रम सनब्लॉक जो वो मैंने लिया है और अपनी मॉडल के पूरे फेस के ऊपर खूब भरकर जो है मैंने लगाया है, क्योंकि पिकनिक पर जैसे कि आपको पता है कि जा रहे हैं तो अच्छे से जो है सनब्लॉक का जो है वो यूज़ वैसे भी अपनी डेली रूटीन में भी करना चाहिए, लेकिन पिकनिक पे जाने जा रहे हैं तो उस पर तो आपको लाजमी जो है वो सनब्लॉक जो है वो अच्छे से अपने फेस पर, अपनी बॉडी पर जो है वो लगाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने खूब ज़्यादा जो है वो सनब्लॉक लगाया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने कोई कंसीलर करेक्टर कुछ भी जो है वो यूज़ नहीं किया। मैंने डायरेक्ट जो है डार्क शेड का जो है लिक्विड फाउंडेशन लिया और अपनी मॉडल के पूरे फेस के ऊपर जो है वो डार्क फाउंडेशन को जो है मैंने लगाया, ताकि जितने भी स्किन पे निशान है वो सब जो है वो हाइड हो जाए। ठीक है, और उसके बाद जो है मैंने पाउडर से जो है बेस को जो है मैंने सेट किया। ठीक है, पाउडर से अच्छे से मैंने जो है लूज पाउडर जो है मैंने यूज़ किया है, ट्रांसलूसेंट पाउडर, तो उससे जो है वो बेस आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा अब डार्क नहीं लग रहा। ठीक है, और उसके बाद जो है मैंने क्रिस्टीन की ही लाइट शेड की कंटूरिंग किट से जो है फेस को कंट्रोल किया और फिर पीच सा ब्लश लेकर जो है मैंने चीक्स पर लगाया। ठीक है, आप चाहे तो पिंक भी ब्लश यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने पीच सा ब्लश जो है मैंने लगाया है। उसके बाद जो है मैंने स्पूली से जो है मैंने आईब्रोज को सेट किया है और बिल्कुल नेचुरली मैंने आईब्रोज को रखा, बिल्कुल कोई एक्स्ट्रा जो है मैंने नहीं ड्रॉ की, बिल्कुल लाइट सी जो है मैंने आईब्रोज को जो है बस समझे जो नेचुरल आईब्रोज होती हैं वही बिल्कुल रखी हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है मैंने पिंक सा शेड लिया और मैंने पूरी आईलेट के ऊपर जो है मैंने पिंक शेड को जो है मैंने लगाया और फिंगर से जो है मैंने इसको लगाया आई के ऊपर और फिर मैंने फ्लफी ब्रश लिया और आप ये देख सकते हैं ये मैंने पिंक शेड जो है मैंने लोअर लैश लाइन पे भी जो है मैंने इस पिंक शेड को जो है मैंने लगाया। कोई दो तीन शेड्स का जो है मैंने यूज़ नहीं किया, बस मैंने एक ही जो है वो शेड जो है मैंने लिया और उसे जो है मैंने लगा लिया। आप भी चाहें तो कोई सा भी ब्राउन कोई भी कलर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका जिस कलर का भी आपका ड्रेस हो आप वो भी कलर जो है वो बस एक कलर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि डे टाइम मेकअप आपको पता है कि इसमें जो है वो ज़्यादा आई शेड्स का जो है वो यूज़ नहीं करते। ठीक है, और लैशेस भी नहीं यूज़ करते डे मेकअप में, तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि मैंने बस एक सिंपल सा एक पिंक शेड जो है मैंने लिया और पूरी आईलेट के ऊपर लगाया। सेम उसी शेड को जो है मैंने लोअर लैश लाइन पे भी जो है मैंने उसको ब्लेंड किया और मैंने वाइट सा शेड लिया मेटालिक सा, उससे जो है मैंने आईब्रोज को और आई के इनर कॉर्नर को भी जो है मैंने उससे उस शेड को जो है मैंने लगाया। ठीक है, और उसके बाद जो है बिल्कुल पेन लाइनर जो है मैं यूज़ कर रही हूँ, उससे मैंने बिल्कुल पतला सा जो है मैंने लाइनर लगाया। बिल्कुल टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो कोई ब्लैक या कोई भी कलर की पेंसिल, आप ब्लू ग्रीन कोई भी पेंसिल भी आप उसकी जगह जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ब्लैक लाइनर यूज़ कर रही हूँ, आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल छोटा सा जो है मैंने विंग भी बनाया और उसके बाद जो है मैंने मस्कारा लगाया। ठीक है, और जैसे कि डे टाइम मेकअप है तो आपको मैंने बताया है कि इसमें जो है वो लैशेस नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आपको आप शौकीन है लैशेस के तो आप इसमें फॉल्स लैशेस भी आप लगा सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। और उसके बाद जो है लाइनर लगाया, लाइनर के बाद जो है मैंने मस्कारा लगाया और मस्कारा लगाने के बाद जो है आप मेरा ये आई मेकअप भी आप देख सकते हैं कि मेरा आई मेकअप जो है ये कंप्लीट है। ये आप देखें, अभी मैंने मस्कारा नहीं लगाया है, मस्कारे से पहले जो है मैं आपको ये लुक जो है मैं दिखा रही हूँ। अच्छा, और आई के अंदर जो है मैंने न्यूड पेंसिल जो है मैंने लगाई। ठीक है, आप चाहें तो ब्लैक काजल भी लगा सकते हैं, वाइट भी लगा सकते हैं और ब्राउन भी आप काजल जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये उसके बाद जो है अभी आप देख सकते हैं मैं मस्कारा लगा रही हूँ। मस्कारा लगाने के बाद जो है आई मेकअप हमारा बिल्कुल जो है वो कंप्लीट है। और उसके बाद जो है मैंने क्लेजोना ब्यूटी का जो है मैंने ग्लॉस लिया, पिंक सा शेड लिया मैंने, तो इसे जो है मैंने लिप्स पर लगाया। ठीक है, और उसके बाद जो है मैंने मेकअप फिक्सर लिया और उससे जो है मैंने पूरे फेस को जो है मैंने अच्छे से जो है मैंने फेस के ऊपर स्प्रे किया, तो आई मेकअप जो और ये पूरा मेकअप जो है हमारा हो चुका हुआ है। तो ये फाइनल लुक जो है वो आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का मेकअप जो है बहुत ही सिंपल लगा होगा, बहुत ही ईजी है, कुछ भी जो है मैंने ज़्यादा शेड्स जो है वो यूज़ नहीं किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।